फ्रेंड से ये भूलर की मशीन है, जो कि अगर इसमें हमें इसका स्टॉक जैसे कि 50 केजी, 60 केजी या 100 केजी तक अगर वेट को हमें डंप कराना है इसमें, तो ये कैसे हम करते हैं जो है एक बार में, एक बैच आपका 50 केजी का हो या 100 केजी का, इसको हम किस प्रोसीजर से कैसे करते हैं, तो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो एक बैच को हम किस प्रकार इसको कंप्लीट करते हैं, हाँ इस पर थोड़ा सा सावधानी बरतना क्या है कि पूरी मशीन आपकी बंद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मशीन पूरा ऐसा नहीं है कि फ्लो जाता रहे और मशीन पूरा स्टॉप रहे। अभी मैं आपको ये इसकी सेटिंग जैसे कि बताने जा रहा हूँ कि जैसे 60 केजी में इसको हमें खोलना है या 70 केजी में खोलना है, 70 केजी में खोलना है, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करता हूँ, मैनुअल आ जाएगा, मेन आ गया और DWT आ गया, ठीक है। अब DWT के बाद S6 बटन को यहाँ पे प्रेस किया, DWT 1.82 केजी है, मतलब इसमें इतना माल खड़ा हुआ। अब जैसे कि अभी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, ये जो सिलेंडर लगा हुआ है इसके अंदर इतना माल अभी, मतलब जो ग्रेन हमारा है, जो आटा पीस चुका है, ये इसके अंदर स्टोरेज है, अभी कहीं ना कहीं चिपका हो सकता है या इसमें लगा हो सकता है, ये उसका वेट 1.82 दिख रहा है। अभी जो इस डमी में कितना सेट है हमारा ऑलरेडी, वो हमें अब चेक करना है कि कितना ऑलरेडी पहले से था, 50 केजी है, 60 केजी में ये बैच आपका नीचे फिलअप हो जाए या गिर जाए, तो हमें ये बटन प्रेस करना है। देख सकते हैं इस बटन को मैंने प्रेस किया, S6 है यहाँ पे, ये देख सकते हैं 60 केजी अभी सेट है इसका। तो अब मैं इसको 60 केजी जो अभी आया था इसको 70 केजी करना है, तो इसको मैं कैसे करूँगा। तो जैसा कि मैंने अभी इसमें ऑलरेडी 70 केजी किया है, हमें इसमें 60 केजी ही इसका सेट करना है, मतलब 60 केजी का हमारा एक बैच कंप्लीट हो जाए। तो इन दोनों S5 और S6 बटन को एक साथ हम प्रेस करेंगे, तो ये मैन आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ठीक है, फिर से अभी एक बार और प्रेस करूँगा, फिर से अभी एक बार और करूँगा, सिस्टम आ गया, SYS आ गया। फिर इसके बाद मैं प्लस बटन को प्रेस करूँगा, लोकल आ गया। अब लोकल को मैं इंटर करूँगा, इंटर करके रखना है, अभी ये ब्लिंक करने लगा, देखिए। अब इसके बाद मैं लोकल के बाद इसको रिमोट करना है मुझे, ये रिमोट आ गया। इसके बाद फिर से मैं इसको, ये रिमोट आ गया। अब मैं इसको लोकल में ही, ये प्रोसीजर आपका लोकल में ही होता है, तो प्लस माइनस से आप लोकल और रिमोट कर सकते हैं, तो ये लोकल ही आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ, ये सेव हो गया है, और इस बटन को मैं कंटिन्यू प्रेस करता रहूँगा, देखते हैं जब तक हमारा मेन पैरामीटर ना आ जाए, जब तक आप इसको प्रेस करते रहिए, ये मेन आ गया, मेन लिख के आ गया है यहाँ पे। अब मैं इसके बाद, मेन आने के बाद इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, ये 70 केजी है, इसको मैं 60 केजी करना चाहता हूँ, ये लॉन्ग प्रेस इसको मैं करूँगा, तब एडिट कर सकते हैं इसको मैं। अब देखिए जैसा कि ये यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शिफ्ट हमें करना है जो है, तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, S5 को। अभी ये देख सकते हैं 70 है, इसको मैं 6 करूँगा, 6 हो गया। अब इंटर कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, अब ये सेव हो गया हमारा। अब 1x1 करके इसको हमें बैक जाना है, तो इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, S5 को। इसको अभी ये लोकल में है, अब हमें इसको रिमोट में करना है, ठीक है, क्योंकि REMP वो प्रोफिनेट होता है, वो प्रोफिबस होता है, REMP। तो यहाँ पे REM आएगा, वो प्रोफिनेट है हमारा, ठीक है। तो ये हम कैसे जाएंगे इस पैरामीटर में, अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें इन दोनों बटन को मैं कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, और इसके बाद S5 को, जो एरो वाला है, इसको प्रेस करते, SYS आ गया। अब इसके बाद प्लस बटन को मैं प्रेस करूँगा, लोकल है। इसके बाद एक लॉन्ग प्रेस करना है, ये आ जाएगा, अब ब्लिंक होने लगा, ये लोकल, और ये देख सकते हैं REMS, ठीक है, ये REM में, REMP ये प्रोफिबस है हमारा। अब इसको हम ये हमारा जो यहाँ पे सिस्टम लगा है, ये प्रोफिनेट है,
REME, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो PLC सिस्टम लगा है प्रोफिनेट है इसमें, तो इसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। तो सेव कौन सी बटन से करते हैं, ये मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, ये आपका ये रिमोट में हो गया, ठीक है। अब बाइक जाने के लिए इस बटन को मैं प्रेस करते रहना है, लॉन्ग प्रेस कर देंगे, एक प्रेस करेंगे तो सिंगल सिंगल होगा, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ये आपका करंट फ्लो आने लगा, ये 60 kg में आपका ये बकेट खुल जाएगा, देख सकते हैं 60 kg में बकेट खुलेगा और ये कन्वेयर के द्वारा, नीचे जो कन्वेयर है इसके द्वारा आगे चला जाएगा डिस्टिलेशन साइड में, फर्मेंटेशन साइड में, लिक्विफिकेशन, जहाँ कहीं ले जाना है इसको वहाँ पे ले जा सकते हैं, जिस प्रोसेस में लगा है ये।